बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया को देखेंगे और स्टार्ट करते हैं इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को। तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है, दीज आर फाउंड अबाउट एवरीवेयर, ये तकरीबन हर कहीं पाए जाते हैं। हमारे जो अंडरग्राउंड जो हमारे ऑयल रिजर्व हैं उनसे लेके हमारे एक्वेटिक सिस्टम से लेके एक्वेटिक के अलावा सॉयल में, एयर में, तकरीबन हर कहीं मौजूद होते हैं। यानी जो बैक्टीरिया हैं, दीज आर हाईली अडाप्टेबल, और हाईली अडाप्टेबल के साथ साथ दीज आर फाउंड अबाउट एवरीवेयर। इकोलॉजी में कितने इंपॉर्टेंट है, ये इको सिस्टम में तकरीबन हर कहीं मौजूद होते हैं। अंडरग्राउंड जो ऑयल डिपोजिट्स हैं उनसे लेके एक्वेटिक लाइफ से लेके सॉयल के अंदर, सॉयल के अलावा हमारे एयर में, हर कहीं ये मौजूद होते हैं। और इनका जो सबसे पहला इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में रोल है कि ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करके ये नाइट्रोजन साइकिल को, फास्फोरस साइकिल को, सल्फर साइकिल को और कार्बन साइकिल को कम्प्लीट करते हैं। बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस में सबसे पहला उसका इकोसिस्टम में रोल क्या है कि इकोसिस्टम में हर कहीं मौजूद होने की वजह से वो सबसे पहले वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करके वो नेचर में, हमारे इकोसिस्टम में नाइट्रोजन साइकिल को, फास्फोरस साइकिल को, सल्फर साइकिल को और कार्बन साइकिल को कंप्लीट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बाद इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं बैक्टीरिया की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले जो हमारी फूड इंडस्ट्री, और फूड इंडस्ट्री में खास तौर पे जो फर्मेंटेड फूड्स हैं उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेड फूड्स में हमारे पास जो बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है, मिल्क की प्रिजर्वेशन से लेकर मिल्क या डेयरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने तक डेयरी की, उसमें बैक्टीरिया अपना रोल प्ले करते हैं। यानी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली सबसे पहले फूड की इंडस्ट्री में, और फूड की इंडस्ट्री में सबसे पहले फर्मेंटेड फूड्स में खास तौर पे। और इसके अलावा ये एनर्जी की प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। एनर्जी की प्रोडक्शन में कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, बायोगैस में की प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। और ये बायोगैस एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है बैक्टीरिया की। इसके अलावा टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में, हमारे जो कॉटन से फाइबर्स बनाने तक और उन फाइबर्स को अलग-अलग करने के लिए भी हमें बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। और लेदर को कमर्शियली डाइंग के लिए, उसको कलर करने के लिए हमें उसकी प्योरिफिकेशन से लेके डिसकलरेशन से अगेन नए कलर देने तक लेदर में हमें बैक्टीरिया रिक्वायर्ड होते हैं, और उसमें अपना बैक्टीरिया अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री में जो हमारे अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम्स हैं, जो कुछ भी है, जो हमारे माइन स्टोरेजेस हैं, रिजर्व्स हैं, उनमें से हम माइनिंग में ये अपना रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट मेटल्स को उनमें से डिटेक्ट करने और अलहदा करने के लिए भी ये बैक्टीरिया अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये जो बायोरेमिडिएशन में अपना रोल प्ले करते हैं, बायोरेमिडिएशन के बाद बायोफिल्ट्रेशन में कैसे हमारे पास जो सीवेज का वाटर है, वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर में से जो इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करने के लिए भी, वाटर को फिल्ट्रेशन के लिए, यानी बायोफिल्ट्रेशन में ये अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे जो हमारे पास केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उसको, वो क्या है जी, हमारे ह्यूमंस की हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, उसको बदल उनमें मतलब हम अगर हम एडवांसेस में बायोलॉजिकल अगर हम बात करें, बायोलॉजी को इस्तेमाल करें, तो उसमें हम बैक्टीरिया को एज अ बायोपेस्टिसाइड्स, पेस्ट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये थी इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में बैक्टीरिया, मतलब कहीं पे वो हमें इंडस्ट्री में फायदा देता है फूड की, तो कहीं वो हमें माइनिंग में, कहीं वो हमारे टेक्सटाइल में, तो कहीं लेदर में, कहीं वो हमें इस फायदा देने के साथ साथ वो हमें नुकसान भी पहुंचाता है। नुकसान हमें कैसे पहुंचाता है, फूड की अगर बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, उनकी स्पॉयलेज में क्या है, बैक्टीरिया अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी बैक्टीरिया की वजह से स्पॉयलेज होती है। इसके अलावा ये प्लांट पैथोजन के तौर पर भी काम करता है, और प्लांट पैथोजन के तौर पर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक खास अपना रोल प्ले करता है, हार्मफुल रोल प्ले करता है। उसमें एक मेजर लॉस हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें मेडिकल इंपॉर्टेंस की, बैक्टीरिया मेडिकली कितना एक इंपॉर्टेंट है, तो ये जो बैक्टीरिया है इसके कॉमन पैथोजन ह्यूमंस का, और इसकी तकरीबन मोर देन 200 स्पीशीज है जो ह्यूमन के अंदर डिजीजेज को काज करती हैं। मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया में अगर इसकी सबसे पहले हम हार्मफुल इम्पैक्ट देखें, तो ये क्या है, कॉमन पैथोजन है ह्यूमंस का, और कॉमन पैथोजन इसकी तकरीबन मोर देन 200 स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की, जो ह्यूमन हेल्थ पे के डिजास्टरफुल इफेक्ट्स प्ले करती हैं, बड़े नुकसानदेह तासुरात छोड़ती हैं। और इसके अलावा क्या था, ये फार्मास्यूटिकल
मेडिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एंटीबायोटिक्स की तैयारी में, एंटीबायोटिक्स के अलावा वैक्सीन की और इंसुलिन की प्रिपरेशन में, और इसके अलावा डिफरेंट ड्रग्स की तैयारी में भी क्या है बैक्टीरिया अपना रोल प्ले करता है। और इसके बाद क्या है जी, बायोलॉजिकल कंट्रोल में केमिकल कंट्रोल की बजाय अब जो हमारे ट्रेंडिंग्स में है बायोलॉजिकल कंट्रोल है, और उस बायोलॉजिकल कंट्रोल में इसके अलावा हमारे जो रिसर्च एरियाज हैं, डिफरेंट रिसर्च एरियाज खास तौर पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में और जेनेटिक्स में हमारे जो लैब में इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसमें ये क्या है रिसर्च के तौर, रिसर्च में ये एज अ वेक्टर कहीं काम करता है तो कहीं ये मीडियम के तौर पे काम करता है। तो हमने आज की इस वीडियो में बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस देखी, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो सबसे पहले थी उसमें हमने देखा कि ये ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करके नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल और कार्बन साइकिल को कंप्लीट करने में अपना रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमारी फूड इंडस्ट्री, फूड में खासतौर पर फर्मेंटेड फूड में, इसके अलावा जो हमारी फोडर के तौर पर साइलेज इंडस्ट्री में भी ये इस्तेमाल होता है, और ये एनर्जी प्रोडक्शन में बायोगैस की तैयारी में इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल में ये फाइबर्स को, कॉटन से तैयार किए गए फाइबर्स को जो इस्तेमाल होते हैं इसके लिए क्लोदिंग के लिए, क्लोदिंग के साथ रोप फॉर्मेशन यानी रस्सियां और कपड़ा बनाने के लिए जो फाइबर्स इस्तेमाल होते हैं उस फाइबर्स की सेपरेशन के लिए ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बैक्टीरिया अपना रोल प्ले करता है। लेदर को, चमड़े को डिसकलराइज करने से लेकर नया कलर देने तक हम लेदर में बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री में, माइनिंग मतलब क्या है जी, को जो माइंस हैं हमारे पास उनमें से मेटल्स को सेपरेट करने के लिए हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। बायोरेमिडिएशन मतलब बायोलॉजिकल सोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, खासतौर पर पोल्यूशन या टॉक्सिसिटी जैसे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम बैक्टीरिया को बायोरेमिडिएशन में इस्तेमाल करते हैं। बायोफिल्ट्रेशन जो सीवेज का वाटर है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सीवेज के वाटर को फिल्टर करने के लिए यानी बायोफिल्ट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। बायोपेस्टिसाइड जो हमारे पास हम दूसरे केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारे ह्यूमंस की हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, उसकी बजाय हम क्या करते हैं बायोपेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल इंपॉर्टेंस में खासतौर पर ये कॉमन पैथोजन है, ह्यूमन का कॉमन पैथोजन होने के साथ साथ इसकी मोर देन 200 स्पीशीज जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होती हैं, और इसके अलावा हमारे इंसुलिन की तैयारी के लिए, वैक्सीन की तैयारी के लिए, एंटीबायोटिक्स की तैयारी के लिए बैक्टीरिया अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बायोलॉजिकल कंट्रोल से लेके हमारी जो प्रेजेंट और कमिंग या कमिंग ट्रेंडिंग रिसर्च होती हैं खासतौर पर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की और जेनेटिक्स की, उसमें बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। और साथ साथ ये हार्मफुल होते हैं प्लांट पैथोजन, ह्यूमन पैथोजन के साथ साथ ये प्लांट पैथोजन के तौर पर जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको एक मेजर लॉस उसकी वजह से होता है, और ये क्या है फूड और वेजिटेबल्स के स्पॉइलेज का भी सबब बनती है। तो आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया को देखा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।